नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। रोज की तरह एक बार फिर से आपके सेवा में हाजिर हूं मुर्गियों का थोक भाव लेकर के। किसान भाइयों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल से आए हुए मुर्गियों के थोक भाव से पूरे ऑल ओवर इंडिया का अपडेट आज मैं आपको इसी सिंगल वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, कोलकाता से 111 का अपडेट है, मदीनपुर 108, दार्जिलिंग 108 एवं मुर्शिदाबाद 109 का अपडेट है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं मालदा से आए हुए रेट का, तो 110 का अपडेट है। ध्यान रहे, कल का मालदा में अपडेट 108 का था, आज 110 का है। पूरे 2 रुपये की जो है वो बढ़त है, तो बढ़त को ध्यान में रखना है। इससे पता चलता है कि आगे कल ट्रेंड क्या होने वाला है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। उत्तर दिनाजपुर 108, दक्षिण दिनाजपुर 108, कोचबिहार 124, हावड़ा 111 रुपीज़, पुरुलिया 106, हुगली 109, बर्धमान 108, नदिया 111, सूरी 105, बांकुड़ 105 का अपडेट है। तो किसान भाइयों, पूरे वेस्ट बंगाल में कल के मुकाबले 2 से 3 रुपए जो है वो प्रति किलोग्राम पे रेट बढ़े हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के देहरादून से हमारे पास 87 का खबर है। आगे बढ़ते हैं, यूपी चलते हैं। झांसी से पूरे 100 रुपीज़ प्रति किलोग्राम का खबर है। अलाहाबाद 101 रुपीज़। आजमगढ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 105 का अपडेट आ रहा है। गोरखपुर 105 रुपीज़, वाराणसी 103, बहरीच 103, जगदीशपुर 103, प्रतापगढ़ 103, अमेठी 103, बलिया 105 का अपडेट है। बड़बांकी 103 रुपीज़, बस्ती, फैजाबाद, फतेहपुर, गोंडा, जौनपुर, कन्नौज, कुशीनगर, रायबरेली 105 का यूनिफॉर्म रेट खुला हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो यूपी का अपडेट है कल के मुकाबले 3 से 5 रुपए की बढ़त लिए हुए, तो काफ़ी सही और पॉजिटिव खबर है पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। दोस्तों, आपके पास जिस तरह से रेट पहुंच रहा है तो आपको बिजनेस करने में आसानी होगी। उसी तरह से दोस्तों, आप भी दूसरे पोल्ट्री फार्मर तक इस रेट को अवश्य शेयर कीजिए। चाहे आप फेसबुक से शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, और लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों के पास जानकारी पहुँचाइए। तो सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं, 105 रुपीज़ का अपडेट है। लखीमपुर 105 रुपीज़, लखनऊ और कन्नूर भी 105 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तो चेन्नई 86 रुपीज़, विल्लौर 86, कृष्णागिरी 84, कन्नूर 70, अविनाशी 70 रुपीज़, कोवाई 70 रुपीज़, दिंदीगुल 78 रुपीज़, इरोडे 74 रुपीज़, कारूर 76 रुपीज़, मदुराई 79 का अपडेट है, पिलानी 77 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पौंडे 89 रुपीज़, सालेम 76 रुपीज़, सातूर 79 का अपडेट है, थेनी 79 का अपडेट है, ट्रिची 79 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान का। कोटा 88 रुपीज़, अजमेर 83 रुपीज़, जयपुर 83 रुपीज़, झुंझुनू 82 रुपीज़, सिंघाना 83, कोटपुतली 83 रुपीज़, शिकार 82 रुपीज़, बेवेर 83 रुपीज़, रिनगुस 83 रुपीज़, बगरू 83, अलवर 83 एवं बात कर लेते हैं पंजाब का। तो पंजाब से हमारे पास 89 का खबर है। पठानकोट 89 रुपीज़, होशियारपुर 89, लुधियाना 89 रुपीज़, पटियाला 89 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं उड़ीसा का। तो राउरकेला 105 का अपडेट है, अंगुल 93, बालासोर 100 का अपडेट है, भुवनेश्वर 98 रुपीज़, बोलांगीर 95, कटक 95, नयागढ़ की बात कर लेते हैं 95 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का। तो बुलढाणा का 93 अपडेट है, वसीम 93 रुपीज़, नासिक 78 रुपीज़, नागपुर 93, वर्धा 95, गोंडिया 95 रुपीज़, मालेगांव 78 रुपीज़, मुंबई 78, पुणे 78, नगर की बात कर लीजिए 78 का अपडेट है। तो कुल मिला के दोस्तों, महाराष्ट्र से जो रेट आ रहे हैं उनमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। जैसे इंदापुर की बात कर लेते हैं, 78 का अपडेट है, कल यहाँ पे 80 का अपडेट था, मतलब कि 2 रुपये की गिरावट इंदापुर में है। पनवेल की बात कर लेते हैं, 78-78 का ही अपडेट है, सतारा 78 रुपीज़, और यतमाल 95 का अपडेट है। यतमाल में रेट बढ़े हुए, कल 90 का अपडेट था, आज 95 का अपडेट है। तो दोस्तों, किसी भी एक जगह का रेट देख करके आप सभी जगह के रेट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मंडी में जितना पोल्ट्री पहुँचती है दोस्तों, उसी के अनुसार रेट जो है वह तय होता है कि रेट बढ़ेगा या फिर घटेगा।
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एमपी से, तो दिंदोरी 78 रुपीज़, ग्वालियर की बात कर लेते हैं 80 का अपडेट है, पांडुराना 95 तक अपडेट जा रहा है, भोपाल आईबी 95 रुपीज़, बैतूल 95, सिनोय 95 रुपीज़, सौसार 95 का अपडेट है, अलीराजपुर 76 रुपीज़, इंदौर आईबी 75 रुपीज़, उज्जैन 84 रुपीज़, देवरी 72 रुपीज़, जबलपुर 78 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं केरला। दोस्तों जो केरला से हमारे पास रेट आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, कालीकट 67 रुपीज़, वायनाड 67 रुपीज़, तिरुवनंतपुरम 67 रुपीज़, कोल्लाम की बात कर लेते हैं 67 का, 67 का अपडेट है। कर्नाटका चलते हैं, हॉस्पेट 70 रुपीज़, बेंगलोर 85 रुपीज़, मैसूर 87 रुपीज़, हसन 87। आगे बढ़ते हैं, हुबली 68 का अपडेट है, बेलगम 69 रुपीज़, एवं बात कर लेते हैं अब झारखंड से आए हुए मुर्गियों के थोक भाव से, जमशेदपुर 106, रांची 106, बरही 106, कोडरमा 106, बोकारो 106, धनबाद चाईबासा भी 106 का अपडेट है। कल यहाँ पे अपडेट 105 का था, मामूली 1 रुपये की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन एक बात अच्छी है कि कहीं से गिरावट की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात कर ली है 87 रुपीज़, और हरियाणा भी 85 का अपडेट। गुजरात चलते हैं, गुजरात के जामनगर से हमारे पास अभी तक जो है वो खबर नहीं आया है, बड़ौदा से भी खबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नवसारी का, तो नवसारी से 80 का खबर है, वलसाद से 80 रुपीज़ का खबर है। दिल्ली चलते हैं, दिल्ली के गाजीपुर मंडी से 93, 93 रुपीज़ का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, रायगढ़ 106 रुपीज़, अंबिकापुर 109 रुपीज़, आगे बढ़ते हैं रायपुर आईबी 102 रुपीज़, बिलासपुर आईबी 105 का अपडेट है। बिहार चलते हैं, बिहार के दरभंगा से 100 रुपीज़ का खबर है, बेगूसराय 100 रुपीज़, मुजफ्फरपुर 101 रुपीज़, पूर्णिया 103, सुपौल 102, आरा 100 रुपीज़, सासाराम 100, नवादा 98 रुपीज़, पटना की बात कर लिया जाए 108 रुपीज़, अरवल 100 रुपीज़, बक्सर 100 रुपीज़, सिवान 102 रुपीज़, हाजीपुर 100 रुपीज़, मोतिहारी 101 एवं भागलपुर 102 का अपडेट है। तो दोस्तों ये रहे बिहार के अपडेट, और बिहार के ट्रेंड की बात कर ली जाए तो 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आज रेट जो है वो बढ़े हैं। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, तो चित्तौर 80 रुपीज़, कडप्पा 80 रुपीज़, निल्लौर 80 का अपडेट है, वियाज की बात कर ले 93 रुपीज़, वरेंगल 89 रुपीज़, विजयवाड़ा 89 रुपीज़, हैदराबाद 89, ओंगले 93 का अपडेट है। तो फिर मिलते हैं किसान भाइयों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।